आज मैं आपको बताऊंगा आईटेल S20 मोबाइल में सिम कार्ड में से फ़ोन मेमोरी में कॉन्टैक्ट नंबर किस तरह कॉपी कर सकते हैं। अगर आप सिम कार्ड के कॉन्टैक्ट नंबर को फ़ोन मेमोरी में कॉपी करना चाहते हैं तो किस तरह कॉपी कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको कॉन्टैक्ट्स ओपन करना है, उसके बाद आपको ऑप्शंस में जाना है, फिर आपको इस बटन से नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा फोन बुक सेटिंग, इसे ओके करना है और फिर यहाँ पर आपको नीचे आना है। यहाँ आपको दिखाई देगा चौथे नंबर पे कॉपी कॉन्टैक्ट्स, इसे ओके करना है। फिर आपसे ये पूछेगा कि आपको कायमे से कॉन्टैक्ट लेना है, तो मुझे सिम कार्ड में से फोन मेमोरी में कॉन्टैक्ट कॉपी करना है, तो मैं फ्रॉम सिम टू सेलेक्ट कर लेता हूँ। टू फोन, सिम से फोन में मुझे कॉन्टैक्ट कॉपी करना है। ओके, आप यहाँ से जिस कॉन्टैक्ट को आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर सारे वो कॉन्टैक्ट दिखाई दे रहे हैं जो सिम कार्ड में सेव है, तो इनमें से जिन कॉन्टैक्ट को आप कॉपी करना चाहते हैं फ़ोन मेमोरी में आप टिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इन सभी कॉन्टैक्ट को कॉपी करना है फ़ोन मेमोरी में, तो मैं ऑप्शंस में जाता हूँ, मार्क ऑल सेलेक्ट करता हूँ और फिर ऑप्शंस में जाकर कॉपी मार्क्ड ओके कर देता हूँ, यस पर सेलेक्ट करना है। तो इस तरह आप जो है सिम कार्ड के सभी कॉन्टैक्ट को फ़ोन मेमोरी में कॉपी कर सकते हैं।